Hello students, this is Neeraj Gupta. We are starting with illustration 25, calculation of opening capital. दोनों तरह से करेंगे हम, statement भी बनाएंगे, account भी बनाएंगे. A and B are partners in a business and capitals at the end of the year are 7 lakh and 6 lakh respectively. So, I am at illustration 25, A, B, closing capital is given. It is 7 lakh and 6 lakh respectively. 7 lakh and 6 lakh respectively. I hope it is absolutely clear. Now question says, drawings are 75,000 and 50,000 respectively. Drawing, routine में, यानि जब opening से closing में जाते हैं, जब opening से closing में जाते हैं, तो drawing हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है. इस बार उल्टा कर रहे हैं तो हम इसको ऐड करेंगे. सो ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं ये दोनों एंट्रियां लिख देता हूं. हमें पता है कि यही दो चीजें हमें प्लस करनी है. एक है 75,000, 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब आएगा तब देख लेंगे. नाउ बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख. आप जानते हो एडिशनल कैपिटल हमारी कैपिटल बढ़ाती है. इस बार हम उल्टा कर रहे हैं तो माइनस करेंगे. एडिशनल कैपिटल बी के केस में है 1 लाख, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी माइनस होगा. रूटीन में आईओसी ऐड होता है, बट इस बार हम उल्टा करेंगे सारा. माइनस आईओसी, इट इज 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. 15,000 एंड 10,000. आईओडी, क्वेश्चन कहता है आईओडी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इज 7500 एंड 5000. ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, लेकिन इस बार हम उल्टा कर रहे हैं. क्लोजिंग से ओपनिंग पर जा रहे हैं तो इसको हम ऐड करेंगे. तो जैसे ये है, इसी तरह से हम लेंगे 7500 एंड 5000. यहां तक हो गया. एडिशनल कैपिटल एक ही थी ही नहीं. यहां तक मेरा क्वेश्चन खत्म. लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड. अब वही सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हमारा ऐड होता है, लेकिन इस बार हम उल्टा करेंगे सारा तो माइनस करेंगे. बस अगर हमारे ओपनिंग कैपिटल, इसमें कोई बहुत बड़ा हमने मंत्र नहीं पढ़ा. बहुत आसान है ये क्वेश्चन. कैलकुलेटर कहां गया? सो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं. आप लोग अपना हिसाब से कर सकते हैं. 7 लाख प्लस 75,000 प्लस 7500 माइनस 15,000 एंड माइनस 1 लाख, 6,67,500. दिस इज 6 लाख प्लस 55,000 माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 10, टू माइनस 2,10,000. It is coming to 4,45,000. I will check the answer from the book. 667,500 and 4,45,000. Now, आप देखेंगे कि आपकी बुक में भी इसी तरह से एड और लेस वाली चीजों को इकट्ठा किया हुआ है. Now, अगर मान लेते हैं कि आप जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर देते हो. मैंने तो क्या किया कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक साथ ले लिया. मतलब आप जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा वैसे वैसे चलते हो तो भी ठीक है, इट्स ओके. इतनी कोई गोली नहीं चल जाएगी कि भी जैसे बुक में लिखा है सारी माइनस वाली आइटम एक साथ, प्लस वाली आइटम एक साथ. अब प्लस माइनस तो शो कर ही रहे हो ना. जो चीज ऐड हो रही है उसको ऐड करो, जो चीज माइनस हो रही है उसको माइनस करो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो. अब इसी क्वेश्चन को सपोज मुझे अकाउंट फॉर्मेट में बनाना होता, ठीक है. अब मैं यहां पर ये अकाउंट फॉर्मेट में बना देता हूं. सपोज ये मेरी डेबिट साइड, ये ए बी, ये मेरी क्रेडिट साइड, ठीक है. अब मैंने इसको क्या किया, अकाउंट फॉर्मेट में बना दिया और उसके ऊपर मैं हेडिंग डाल दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है. डेबिट और क्रेडिट ए और बी के.
मैंने आपको क्या बताया था, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है एक्चुअली यही ओपनिंग कैपिटल है, और ये क्वेश्चन में एक तरह से मिसिंग फिगर है, बाकी सब कुछ दिया हुआ इंक्लूडिंग द क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हम शुरू से देख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमको दी हुई है, तो इसका मतलब टू बैलेंस कैरी डाउन यही आएगा 7 लाख एंड 6 लाख, राइट। ये जो फिगर्स दी हुई है तो उसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको पता है ये डेबिट साइड पे आते हैं, तो ड्रॉइंग्स 75,000 एंड 50,000 एंड टू आई ओ डी 7,500 एंड 5,000। अपनी तरफ से तो मैं आराम से कर रहा हूं, हो सकता है 1% मेरे को लगा आपको लगे कि सर की स्पीड तेज है, मैं अपनी तरफ से बहुत आराम से कर रहा हूं, फिर भी ये वीडियो है, फेस टू फेस क्लास होती है तो बच्चे बोल देते सर स्लो, और वीडियो को तो बहुत ही बोलने की भी जरूरत नहीं है, पॉज कर दो वहीं रुक जाएगी। आराम से जहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिया उसको समझो करो फिर आगे बढ़ते रहो। एनीवेज लेट्स रीस्टार्ट। तो ये हो गया, अब है मेरे पास एंट्री एडिशनल कैपिटल 1 लाख, ये बी में जाएगी बाय कैपिटल, एडिशनल कैपिटल यहां पर मेरी आ गई 1 लाख बी के केस में। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 10,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख 1 लाख, ठीक है ना। तो अभी ये जो मेरा टोटल है इस टोटल को यूज करके मेरा ओपनिंग बैलेंस निकल जाएगा, और क्या है कोई मुश्किल थोड़ी इसमें। तो इट इज 7,75,000 प्लस 7,500, ये मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 782,500, इसमें से माइनस करूंगा 1,15,000, तो ये मेरा ओपनिंग एक का आ गया 667,500, और यहां पर भी यही था 667,500, दोनों का सेम ही आएगा। ऐसे ही बी की डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 655, ये तो दिखी रहा है कैलकुलेटर की भी जरूरत है, 6,55,000, दिस इज माई टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ पार्टनर बी, यहां पर भी मैं उतना ही लिख दूंगा 655 में से मैं माइनस करूं 2,10,445। ज्यादातर क्वेश्चंस में जैसे मैंने पहले भी बताया था स्टेटमेंट फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना होगा, अरे बस सुनने स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बीइंग द फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखाया हुआ है तो इजी है, फिर भी कोई डाउट हो नंबर आपको दिया हुआ है एसएमएस कर सकते हैं डाउट, या कमेंट कर सकते हैं जब आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और इजी है इसको करो ध्यान से करो, मेन क्या ये बेसिक क्वेश्चन है, फिर आगे चलेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और इसके अंदर फर्दर एडवांस्ड जो है वो एंट्रीज हमको मिलेंगी करने के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू।